भाई लोगों को ये डाउट रहता है कि क्या पाकिस्तानी प्रोडक्ट अमेजोन पे सेल होते हैं, लेदर जैकेट्स हैं, क्वालिटी का मसला है या पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स की डिमांड भी है कि नहीं है, कंपटीशन बहुत सारी चीज़ें। तो भाई ये देखें, ये अभी हमारी शिपमेंट सारी जा रही हैं, ठीक है, ये कुछ हमारी हैं, कुछ हमारे स्टूडेंट्स की हैं। वही लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान से अकाउंट बनाए, सिंगल क्वांटिटी पे काम कर रहे थे। मैं आपको कुछ प्रोडक्ट्स दिखाता हूँ, ये देखें काउ लेदर के ऊपर मोटरसाइकिल जैकेट बना हुआ है, पूरा मेड इन पाकिस्तान है। इसके अलावा ये देखें, ये सारे पेस्टल कलर में, ये भी रियल लेदर जैकेट है, मेड इन पाकिस्तान है। नीचे सारी शिपमेंट्स रखी हुई हमारी, ये गोट लेदर के ऊपर बना हुआ है, स्वेड लेदर में बाइकर जैकेट है, ये सब मेड इन पाकिस्तान है। ये स्टूडेंट्स की भी शिपमेंट्स है, हमारी भी। ये वही लोग थे जिन्होंने इंडिविजुअल सिंगल सिंगल क्वांटिटी पे काम करना शुरू किया था, अब थोड़ा प्रिपेयर्ड हो गए, तो ये लोग FBA की शिपमेंट्स भेज रहे हैं, जिसकी वजह से उनका प्रॉफिट मार्जिन भी इंप्रूव हो रहा है और सेल्स भी बढ़ रही है। कॉम्पिटिशन से डरने का नहीं होता, इसमें ये होता है कि देखो ऑर्डर्स बहुत लोगों को आ रहे हैं, जो लोगों ने एक महीना पहले शुरू किया उनको भी ऑर्डर्स आ रहे हैं। बात यह कि आप लिस्टिंग कितनी अच्छी करते हो, किस तरह के ऑप्टिमाइजेशन करते हो, किस तरह प्रोडक्ट्स लिस्ट करते हो कंपटीशन की रिसर्च करके, तो ऑर्डर्स भी आ रहे हैं। कंपटीशन अभी भी उतना नहीं है जितना लोग सोच रहे हैं, काम भी है। और वो लोग जिन लोगों ने सिर्फ एक महीने पहले काम शुरू किया वो भी कर रहे हैं, और जिन लोगों ने 6 महीने पहले काम शुरू किया वो तो अब अपनी FBA की शिपमेंट्स निकाल रहे हैं और बड़ी क्वांटिटी के ऊपर ऑलरेडी काम कर रहे हैं।